फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आई हूं ददिहाल और मेरी भाभी जो न्यू वाली भाभी हैं, छोटी भाभी, वो जाने वाली है मायके। कल उनकी विदाई है यहां से। तो हम लोग सोच रहे हैं उनके विदाई से पहले उनको दर्शन करा दें। लेकिन कहा जाता है कि नई नई दुल्हन को दर्शन कराया जाता है, माता का आशीर्वाद दिला दे उनको। तो हम लोग आज चल रहे हैं माता का आशीर्वाद देने। हम लोग जा रहे हैं शीतला जी, मिर्जापुर में चुनार के आगे शीतला जी का मंदिर पड़ता है, तो जो यहाँ के हैं वो जानते होंगे। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, हम लोग निकल रहे हैं। नहा वहा चुके हैं हम लोग और देखते हैं वहाँ पे अगर व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी तो नहा लिया जाएगा फिर से, अगर नहीं तो फिर इसीलिए हम लोग घर से ही नहा लिए हैं। तो बस ये ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। सब लोग रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने इस कलर की रेड कलर की साड़ी पहन ली हुई है। ये ब्लाउज मैंने यहीं गाँव में सिलाया था, बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छा ब्लाउज बन जाता है। यहाँ पे आप जो भी नेट से डिजाइन आप दे देंगे वो आंटी लगती हैं, बहुत अच्छे से बनाती हैं और रेट भी बहुत ज्यादा नहीं लेती हैं। बस पहले मैंने ऐसे ही रेडी करवाया हुआ है, मैं पूरा लुक दिखाऊंगी अभी कुछ देर में आपको। और सब लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए हमारी किट्टू भी रेडी हैं और मेरी सिस्टर लोग भी रेडी हैं और मस्ती कर रहे हैं बैठ के सब लोग यहाँ पे। और भाभी भी हमारी रेडी होने हो रही हैं ऊपर। और ये देखिए चाची हमारी रेडी होके आ गई हैं, उसके बाद भाभी आएंगी। तो भाभी ये इस तरीके की साड़ी पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनका लुक। तो अंधेरा अंधेरा सारा, इसलिए फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि वो भी सुबह ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी हैं, तो हम लोग चल रहे हैं अब शीतला जी की तरफ। तो बस हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं और सब लोग के साथ अगर कहीं जाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मानना पड़ेगा कि फैमिली के साथ ही लाइफ होती है, अकेले कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग पूरी फैमिली जहाँ जाते हैं हम लोग बहुत ही इन्जॉय करते हैं। मम्मी हैं, किट्टू है, भाभी हैं, चाची हैं, सब लोग हैं। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग की गाड़ी तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं चुनार। चुनार से होते हुए ही शीतला जी का मंदिर है। तो यहाँ पे चुनार का जो ये रिवर है, मतलब नदी है, ये गंगा नदी है, गंगा माता। तो यहाँ से होते हुए ही हम जा रहे हैं। यहाँ पे किला भी है चुनार का, बहुत लोगों ने देखा भी होगा जो यहाँ के हैं। जो नहीं देखे हैं मैं दूर से आपको दिखा दे रही हूँ। हम लोग अंदर तो वहाँ नहीं जाएंगे किले के अंदर, फिर कभी जाएंगे। अभी हम लोग को लेट हो रहा था, हम लोग माता जी के दर्शन के लिए निकले थे, बट हम दूर से आपको दिखा देते हैं। यह है गंगा नदी, आप लोग दर्शन कर लीजिए गंगा माता का। और इसी नदी पे किला बना हुआ है चुनार का। तो ये है किला, मैं आपको पुल से दिखा रही हूँ। इस पुल से हम लोग जा रहे हैं तो पुल से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है किला, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। जो यहाँ के लोग हैं वो तो गए ही होंगे, जो नहीं है वो देख लें। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आते ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। इतनी गाड़ियाँ देख के आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितनी भीड़ होगी। तो बस हम लोग यहाँ पे अपनी जो है गाड़ी पार करके हम लोग अब चल रहे हैं अंदर मंदिर परिसर में। तो हम लोग पैदल ही वहाँ तक जाएँगे, हम लोग को कुछ देर पैदल ही चलना पड़ेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो अब हालत तो ख़राब हो ही रही थी। बट हाँ, क्या करें, मेहनत से दर्शन करना चाहिए, इससे फल मिलता है। तो बस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे घाट पे जो गंगा जी का घाट है, यहाँ पे हम लोग पैर को धुलेंगे, साफ़ करेंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। तो यहाँ पे बहन लोग मेरी जा रही हैं, सिस्टर लोग, और मम्मी हैं आगे आगे। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग नहाएंगे, बट यहाँ पे आके देखे तो नहाते बनता नहीं, यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें थी, इसलिए हम लोगों ने नहाना स्किप कर दिया। नहा के हम लोग घर से ही आए थे। तो यहाँ पे मेरी आंटी हैं, हम लोग जा रहे हैं नीचे, पैरों को अपने धुलेंगे, गंगा नदी में पवित्र करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है और नीचे जाने की भी हिम्मत नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे पर्स देख रही हूँ सबका, और सब गए हैं पैर को धुलने, अपने हाथ पैर को, और वो सब आते हैं तो मैं भी जाऊँगी धुलने। यहाँ पे और ये है माता रानी का मंदिर, यहीं से जाके हम लोग को दर्शन करना है। बट मंदिर के अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग ने वहाँ का सूट नहीं किया हुआ है। दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नदी देख रहे थे, गंगा जी का जो व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और इसके मंदिर के जस्ट बाहर ही शीतला माता का एक छोटी सी प्रतिमा है, वहाँ पर भी लोग पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको दर्शन कराना ही कराना है। मैं यहाँ पर ले आई हूँ और आपको दर्शन ना कराऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था बट बाहर था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको भी दर्शन करा दो। तो ये है शीतला माता, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जो भी मांगना है मन्नत पूरा जरूर करती है माता रानी सच्चे दिल से, अगर मांगा जाए तो। यहाँ पे देखिए मुंडन का प्रोग्राम भी हो रहा है, बच्चों का मुंडन भी होता है यहाँ पे। का दर्शन हो चुका है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए अंदर नहीं दिखा पाई, और वैसे भी फ़ोन वहाँ पर अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से ही आपको दर्शन करा दिया शीतला माता का। और अब हम लोग चल रहे हैं घर। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। बस हम लोग पैसे दे रहे हैं जहाँ से माला फूल लिया गया था। किट्टू कैसा लग रहा है? तो आए हैं हम लोग स्टॉप पे, हम लोग को कुछ कंगन चूड़ी लेनी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे से हैं।
और मुझे यहाँ की माता की प्रतिमा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। बस हम लोग देखिए इतने सामान ले लिए हैं, यहाँ पे आने के बाद सब लोग लूट पड़ रहे हैं दुकान। तो हम लोग चुना रहे हैं और आप लोग को इस टाइप का आइटम ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इस तरीके की मिट्टी का जो है बहुत से अच्छे अच्छे प्रतिमाएँ मिलती हैं और बहुत से अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं, होम डेकोर के सामान मिलते हैं। तो यहाँ चुनार से ही सप्लाई होता है, यहाँ पे ही बनता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखाया और ज़रूरी भी समझा दिखाना। और ये देखिए यहाँ पे है गुलाब जामुन। तो अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग को देख के लग रहा होगा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो पेट पूजा करने आए, हम लोग को लग गई थी छोटी छोटी सी भूख, तो हम लोगों ने सोचा नाश्ता कर लें। तो हम लोग यहाँ मीठा कुछ खाने का मन नहीं था, तो बस हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा लिया और वही खा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो रास्ते में हम लोग को शंकर जी दिख गए, तो हम लोगों ने सोचा कि दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पैसे यहाँ पे चढ़ाए और शंकर जी का दर्शन किया। अच्छे छुए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, छू भी रहे हैं, छूने से थोड़ा सा जी हमको डर लग रहा था, बट कुछ होता नहीं है। तो हम लोग अब घर की तरफ निकल गए हैं, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे इस तरीके का आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग सोचेंगे अचानक से ये सब क्या देखने को मिल रहा है। तो हम लोग घर पे आ गए थे शाम को, भाभी की विदाई थी, उनको जाना था अपने घर। तो हम लोगों ने मीठी पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी देर रेस्ट किया था हम लोगों ने मंदिर से आने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे देखी तल रही हूँ, क्योंकि शाम को भाभी को जाना है अपने घर। तो बस हम लोगों ने सोचा था इनको दर्शन करा के आते हैं, फिर इनकी विदाई होती है, शाम को भाभी निकल जाएंगे अपने मायके। तो उसी की तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर लोग हेल्प कर रही हैं, और वो जो तल रही हैं वो हमारी हाउस हेल्पर हैं, हमारे घर के कामों में हेल्प करती हैं। तो भाभी तैयार होके जा रही हैं अपने घर। बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, कितने दिन थी तो अच्छा लग रहा था साथ में, बट क्या करें, जाना ज़रूरी भी है, फिर आ जाएंगी जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए सबका आशीर्वाद ले रही हैं भाभी। और यहाँ रात का टाइम है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो बस मम्मी के और दादी के पैर छू रही हैं और जाएंगी अभी ये। तो यहाँ पे ये चली गई अपने घर और हम लोग चलते हैं मंदिर में, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका है। तो हम लोग मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ रोज़ शाम को आरती होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी शामिल हो जाइए। तो फ्रेंड आज है मेरा यहाँ पे लास्ट डे और मैं अब जा रही हूँ ससुराल। बहुत दिन यहाँ रही और बहुत अच्छा लग रहा है, जाते टाइम थोड़ा सा अजीब लगता है, यहाँ पे घर पूरा भरा पड़ा था तो सब लोग आए गए थे तो अच्छा लग रहा था। और अब मैं जा रही हूँ ससुराल, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है, यहाँ पास में ही है ससुराल है। तो मैं रात के 8 बजे यहाँ से निकल रही हूँ, तो बस वहाँ चल के मिलती हूँ। किट्टू का मन नहीं कर रहा है जाने का, बट असमंजस में पड़ी हुई है, मम्मी की भी याद आ रही है और मौसी लोग की भी याद आ रही है, थोड़ा सा बुरा हमको भी लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग कहीं भी जाते आते हैं तो शंकर जी का आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। तो हमको ससुराल जाना था तो बस हम लोग शंकर जी की आरती देखे और आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे जितने लोग हैं सबके आशीर्वाद लेके हम लोग चलेंगे घर। तो शाम के बज गए थे 7, यहाँ पापा हैं और मेरी जो सिस्टर लोग हैं, उन लोग का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किट्टू के बिना। वो कह रहे थे किट्टू रुक जाओ, बट किट्टू नहीं रुकने वाली थी। बस हम लोग सबका आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पे गांव का ये दरवाज़ा है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हमारे बैठते हैं, तो वहाँ पे सबका आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ससुराल। ससुराल की दूरी बहुत कम है हमारे घर से, मायके से बस 10 मिनट का रास्ता है, तो बस हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हम दिखाएंगे अगले दिन, क्योंकि अभी तो हम काफ़ी थक गए हैं, अब अगले दिन मॉर्निंग में ही मिलेंगे आपसे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत मैं आपको जामुन खिला के करती हूँ। यहाँ पे जामुन मुझे दिख गया तो मैं हम लोग छत पे आए हैं शाम को, तो जहाँ मेरा फेवरेट जगह है, मैं आती हूँ तो यहाँ पे जरूर आती हूँ शाम को। तो हम लोग कर रहे हैं आज चाय पार्टी और ये चिप्स है, किट्टू बैठी हुई है, किट्टू चाय तो नहीं पीती है बट उनको चिप्स उसमें डिप करके खाने की आदत है। और ये हमारी नंद लोग हैं, हाय। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। खा पी के अभी मैं लेटी थी तब तक मेरा पार्सल आ गया। ये देखिए मेरा पार्सल, यहाँ पे भी मेरा पार्सल आता है। मैंने कुछ ड्रेस मंगाए हुए थे, मतलब मैक्सी ड्रेस मंगाए हुए थे, तो उसमें एक आ गया है, एक अभी है, वो कल या परसों में आ जाएगा। तो बस अभी मैं इसको ओपन करूँगी और आपको दिखाऊँगी कैसा है। तो यहाँ पे मैं कूलर अपने रूम की तरफ ले जा रही हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे मेरी देवरानी मेरा मज़ा ले रही थी। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आई हूँ ससुराल में, और इतने दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया हुआ था, जो मैं मायके से निकली थी उस दिन का ब्लॉग किया हुआ था, और बीच में मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया हुआ था। और आज हम आए हैं खेत पे, ससुराल वाले खेत पे। तो जहाँ मैं आपको दिखाती थी बगिया वो नहीं दिखाऊंगी, इस बार कुछ अलग चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है और कुछ साग सब्जी जो भी और कुछ सब्जियाँ उगाई गई हैं, मौसमी सब्जियाँ, तो बस वहीं हम लोग आए हैं। इस तरीके का यहाँ पे छप्पर बना दिया गया है, यहाँ पे बैठ के रखवाली करते हैं लोग।
तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हवा बहुत अच्छी लग रही है, तो हम लोग भी आके यहीं बैठे हुए हैं। और बाहर कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई गई हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा इस बार आपको कुछ अलग दिखा दूँ, हर बार बगिया 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 शेयर करती थी, इस बार यहाँ पे अलग चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर में सब्ज़ियाँ क्या क्या यहाँ पे उगाई गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है सिंचाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए मशीन लगाई गई है, यहीं से सप्लाई होता है पानी का, यहाँ पे सिंचाई करने के लिए ही यहाँ पे लगाया गया था। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ की मतलब अच्छी खासी बुआई हो चुकी है और सब्जियाँ उगने भी लगी हैं, तो हम लोग घर का ताज़ा ताज़ा सब्जी खाने को हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए किट्टू और उसकी फ्रेंड हैं, इन लोग मस्ती कर रहे हैं, सुबह शाम यहाँ आ जाती हैं। और ये देखिए पानी को ठंडा करने का देसी जुगाड़, तो ये देसी फ्रिज, इस तरीके से आप लपेट के अगर रखते हैं तो वो ठंडा रहता है पानी लंबे टाइम तक, खेतों के लिए सही होता है ऐसा पानी रखना। तो यहाँ पे देखिए हमारी साग सब्जियाँ लगाई गई हैं, ये कद्दू की खेती है और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं तमाम तरह की खेती यहाँ पे की गई है। मतलब आज हम जा रहे हैं प्रयागराज, हम लोग निकल रहे हैं। इसके पहले का ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाई हूँ घर का, सॉरी, इसके लिए मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और आज हम लोग निकल रहे हैं, शाम के बज गए हैं 7, हम लोग की ट्रेन थोड़ी लेट थी और किट्टू जीत कर रही है ये टेडी बियर ले जाने के लिए, बट यहाँ बैग बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे ले चलो, तब ले चलो ऐसे। तो आप लोगों को ब्लॉग देख के लगा होगा कि मैं यहाँ बहुत कम दिन रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पूरे 10-12 दिन रही हूँ, बट मैं बीच में ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। तो मैं ये लास्ट दिन का शेयर कर रही हूँ, और जब फर्स्ट डे 2-4 दिन पहले का मैंने शेयर किया हुआ था, पूरे दिन का मैंने शेयर नहीं कर पाई हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आज हम जा रहे हैं प्रयागराज, पूरे 12 दिन बाद मैं यहाँ से निकल रही हूँ और ये सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी इसलिए हम यहाँ शाम को थोड़ा ज़्यादा लेट से निकल रहे हैं, 7 बज रहा था इस टाइम। तो बस हमारे साथ हमारे जेठ जी भी जा रहे हैं, उनका प्रयागराज से ट्रेन है दिल्ली का, तो वो हमारे साथ ही जा रहे हैं। यहाँ पे ससुर जी हमारे हैं, सासू माँ हैं, चाची जी हैं, चाचा जी हैं, सबका आशीर्वाद मैं लेती हूँ और उसके बाद हम लोग रवाना हो जाते हैं प्रयागराज के लिए। तो पहले यहाँ से हम लोग मिर्ज़ापुर स्टेशन जाएँगे, वहाँ से हम लोग की ट्रेन है और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे प्रयागराज। तो हम 3 लोग जा रहे हैं, 3 क्या 4, किट्टू को लेकर 4 लोग। तो यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और किट्टू को लग रही थी नींद, आप लोग देख ही सकते हैं, बेचारी बहुत थक गई थी और बज रहे थे 9:25। तो 9:25 पे हमारी ट्रेन आ जाती है। ये देखिए किट्टू अपने दांत दिखा रही हैं, इनके मसूड़े आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पेन कर रहा था तो वही दिखा रही हैं किट्टू। और उसके बाद हम चलते हैं ट्रेन में, फिर सीट पाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग को मिल गई है हमारी सीट और हम लोग बैठ गए हैं। और आप लोग को लग रहा है कि मैं इस तरीके से घूंघट में क्यों हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे साथ मतलब हम लोग के साथ हमारे जेठ जी भी जा रहे हैं, बट वो प्रयागराज नहीं जाएंगे, वो जाएंगे दिल्ली, वो दिल्ली रहते हैं। तो बस उसी ट्रेन में हम दोनों लोग हैं सवार, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा घूंघट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा घूंघट मैं नहीं करती हूँ, बट सर ढकना तो ज़रूरी, मतलब जो मान्यता है भाई उतना तो मांगना ही पड़ेगा। बस मैंने ऐसे सर ढका हुआ है, सामने वाले सीट पर वो सब बैठे हुए हैं और हम लोग का स्टेशन आने वाला है, हम लोग प्रयागराज उतर जाएंगे और भैया जो है दिल्ली चले जाएंगे और किट्टू हमारी सोई हुई हैं। हम लोग आ गए हैं प्रयागराज और बहुत तेज से भूख लगी हुई थी तो घर पे जाके बनाने की हिम्मत थी नहीं, तो हम लोग यहाँ से खा ले, बाहर खा के चलेंगे रूम पे। कैसा लग रहा है किट्टू, क्या खाना तो यहाँ पे देखिए हम आ रहे हैं, सबसे पहले पेट पूजा करेंगे उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो ये तो रहा मेरा पूरा ब्लॉग, आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय, टेक केयर।